गुड आफ्टरनून एवरीबडी। नाउ स्टार्ट करते कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 एंड 5। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। मैं होमवर्क बाद में डिस्कस करूंगा अगर आपके साथ, तो अपन पढ़ लेते हैं आज का एक बार। अपन हाँ मैं पढ़ाऊ, होमवर्क चेक करूँ, चिंता मत करो बेटा, और पेनल्टी भी लूंगा आज, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े बेटा आप लोग। कौन कौन नहीं है देखना, आकांक्षा और वल्लभ 2 3। हसन कहाँ है बेटा? प्रवीण आज दिखा था मैं कहीं कहीं मेरे को, हाँ बाहर दिखा था, ज्यादा है बाहर दिखे, अरे बाहर जाना नहीं, बाहर दिखे थे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है बेटा आप लोगों को, पढ़ लिया, समझ में भी आ गया होगा, बोलो सॉल्व कर दो। क्यों आयु विषय सही बोला गलत बोला बेटा? दीक्षा बेटा की पेनल्टी बाकी है, ड्यू चल रही है, पे कर दी, पेड है। अकाउंटेंट साहब का निशा, लिस्ट नाम बोलना जिसकी पेनल्टी नहीं आई बेटा। छवि 20 रुपीज और 10 बाकी, 10 दे दिए थे, बाकी सब क्लियर है? नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं 15 को दे दोगे 50 बच जाएंगे। और कौन है बेटा? राज आ गया था बेटा। द फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2013। द टावरिंग हाइट लिमिटेड विच इज अनलिस्टेड कंपनी, या एक अनलिस्टेड कंपनी है, इसके इक्विटी शेयर इतने हैं 30,000 लाख, कितना लड़ा 30,000 लाख, क्लियर? तो बोल सकता हूं 30 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 इज फुल्ली पेड अप, क्लियर? सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, द कंपनी सीक्स टू इंप्लीमेंट, ध्यान समझना बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कंपनी लोग में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ये कंपनी लोग के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, तो मैंने इस क्वेश्चन को लिया है आप लोगों के लिए बेटा, तो ध्यान से, क्योंकि पहले कंपनी लो सेकंड ग्रुप में हुआ करता था, समझ में आया? भाई आपकी तो न्यू सिलेबस आ गया था, फर्स्ट ग्रुप में कंपनी लो आ गया, सेकंड ग्रुप नहीं है, फर्स्ट ग्रुप में हुआ करता था, अकाउंट्स एसएल लो, हाँ फर्स्ट ग्रुप में हुआ करता था, सॉरी क्लियर, सॉरी फर्स्ट ग्रुप में हुआ करता था पहले भी। इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एंड कंपनी सीक टू इंप्लीमेंट द बायबैक ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स इन मई 2013, कंप्यूट द मैक्सिमम लिमिट अप टू विच बायबैक इज परमिटेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2013-14। यस बताए, तीन कंडीशन लगानी है, बहुत सिंपल सी कंडीशन है, कल मैंने बताया था, सॉल्व कर दें आप लोग। कल क्या हुआ बेटा प्रवीण, तबियत सही नहीं थी? किसकी? अच्छा मैं किसी और की तबियत सही नहीं, इसलिए नहीं है तो। यस क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दो। पर जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो वन मोर थिंग आप सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले आप 1668 का रेफरेंस देना, ठीक है, और जब सीआर बनाओ तो सेक्शन 69 का रेफरेंस देना, ये सेक्शन याद रख लो बेटा। सेक्शन 68 किसके लिए होता है? मैक्सिमम परमिसेबल बायबैक की बात करता है, और साइन 16 किसकी बात करता है? अगर आप बायबैक कर रहे हो, बायबैक आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस किया है, तो भैया आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। बहुत जवाब दो, यस क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग। मेरे बेटा आप थाउजेंड्स लाख के फिगर मत जानो, आप तो तीनों एंट्री लगाओ, ऊपर बोलते फिगर इन रुपीज इन लाख कर दो, तो बस
30,000 क्वेश्चन मानते हो, क्वेश्चन सोल्व कर देना, वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। बेटा निखिल, क्वेश्चन सॉल्व करना है और अभी चाहिए। मैं सबसे पहले आपके नोटबुक ही चेक करूंगा कि अभी आया, चलो आपके पास से फटाफट से। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा बायबैक प्राइस गिवन नहीं है, तो आप बड़ा सुनो बेटे मेरी बात बेटा, पहले बायबैक प्राइस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो आप ये मांग के चलना कि इतने रुपए का हम बायबैक कर रहे हैं, मतलब बायबैक के हम इतना पैसा पे करेंगे, दैट्स इट। यस बेटा, और नहीं पता हो तो वी विल अज्यूम द बायबैक प्राइस इज फेस वैल्यू, दैट्स इट। क्वेश्चन को मैं समझाऊं, मैं सोल्व करवाऊं, सुनना क्वेश्चन को बेटा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, सिक्योर्ड लोन गिवन है और अनसिक्योर्ड लोन गिवन है। पहली कंडीशन क्या बोलती है, और क्वेश्चन बोलता है कि मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हो, बताओ। पहली कंडीशन क्या बोलती है बेटा, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का बायबैक कर सकते हो। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितनी, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, आई एम सॉरी, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का बायबैक कर सकते हो। तो मुझे बताओ कुल कितने रुपए है बेटा, 30,00,000 रुपए। सॉरी, 30,00,000 रुपए। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे जानना बेटा। अगर आपने एक बार क्वेश्चन में सॉल्व करो, यहां पे अगर आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको जीरो मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे,
पहले मैं वो बताऊंगा आपको, और आप वो गलती आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, कुछ कर लोगे कुछ नहीं कर पाओगे। आओ देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, हमें ये पता है तो लाओ पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, तीनों कंडीशन यहां लिख दोगे आप, अरे लिख दोगे, इसका एक मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट बता रहा हूं बेटा, क्लियर। तो नाउ 25% ऑफ क्या बेटा, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 25% ऑफ 30,000 70, इतने रुपए का आप क्या कर सकते हो बेटा, बायबैक कर सकते हो। बोलो अब मुझे बायबैक करना है तो बायबैक की प्राइस कितनी है, 10 मान लेंगे, तो हम इसके हिसाब से 750 का बायबैक कर सकते हैं। अरे हाँ है ना, 750 लाख का बायबैक कर सकते हैं, क्या टफ है। दूसरी कंडीशन 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा नहीं है, मैंने क्या लिखा है, प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम डिवाइडेड बाय क्या, बायबैक प्राइस। तो नाउ 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना, 30,000 प्लस 3,000 डिवाइड बाई 10, बोल समझ में, हाउ मच, 10 थर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिखने में जितनी सिंपल उतनी ही खतरनाक। आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं डेब्ट के बारे में अगर बात करूं तो ये होना चाहिए, बोलो है ना। तो डेब्ट कितना, डेब्ट में सिक्योर लोन है और क्या बड़ा अनसिक्योर लोन है, आओ तो बोल सकता हूं 2:1, बोलो क्लियर क्लियर। अब एक बताओ डेब्ट कितना है, एग्जैक्ट 62,000, ये कहां है बताऊं। देखो क्वेश्चन में गिवन है ना, सिक्योर लोन कितने रुपए का, 40,000 का, 22,000 का, क्या है, इज इट क्लियर। नाउ डिवाइडेड बाय 2:1, अब समझना डिवाइडेड बाय कितना होगा, ये ध्यान से समझना बेटा। मैंने कल इक्विटी का फॉर्मूला बताया था, इक्विटी का मतलब क्या होता है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, दिस विल बी योर इक्विटी। अरे हाँ है ना, अब ध्यान से, क्या मैं उतने रुपए का यहां से बायबैक कर सकता हूं, मुझे पता है क्या, नहीं, लेट अज्यूम एक्स। अरे हाँ है ना, बट जितने का यहां से बायबैक होगा क्या उतना ही प्रॉफिट यहां से भी कम होगा, क्या इस बात को एग्री करते हो, बोलो। क्योंकि सर आपने यहां से रिजर्व को लेस क्यों किया बेटा, क्योंकि जितने रुपए का बायबैक मैं आउट ऑफ फ्रेश इश्यूज कर रहा हूं उसके लिए मुझे सीआरआर बनाना नहीं पड़ता है, बट जितना बायबैक आउट ऑफ अगर मैं किससे करता हूं बेटा, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस से, तो मुझे उतने की फेस वैल्यू का मुझे सीआरआर बनाना पड़ता है, और उतने की फेस वैल्यू का अगर मुझे सीआरआर बनाना पड़ता है तो उसको मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलता हूं जितनी मेरी कैपिटल है, बोलो उसमें से 50,000 रुपए ऐसे माइनस करूंगा तो 50,000 रिजर्व से भी कम होगा या नहीं होगा, अरे बोलो। तो बेटा क्या मुझे पता है क्या कितना कम करना है, नहीं, तो मुझे ये पता है जितनी मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल है, बोलो तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 30,000, इसमें से जितने का बायबैक होगा क्या उतने से ही मेरा प्रॉफिट भी कम होगा, और मेरे पास प्रॉफिट में क्या क्या रखा है, जर्नलिज्म कितने रुपए का, कितने का, P&L, जर्नलिज्म, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का, 3,000। पर एक बात मुझे बताओ, जितने का मैं यहां से बायबैक करूंगा, जितने की फेस वैल्यू यहां से माइनस करूंगा, क्या उतने की फेस वैल्यू भी क्या मैं यहां से माइनस करूंगा, लेट अज्यूम एक्स, जितना ये, किस बात को एग्री करते हो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, दैट्स इट, काम बन जाएगा। ये पॉइंट समझ में अच्छे से नहीं आया, किस किस को वापस समझता है एक बार हाथ करके बताऊंगा बेटा, ध्यान से बेटा, सभी लोग ध्यान से देखे बेटा। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं बेटा,
ध्यान से इसको ध्यान से देखो बेटा, मैंने डेब्ट बोला तो डेब्ट का मतलब मैं सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन की बात करता हूँ, वेदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ओनली लॉन्ग टर्म। तो जितने भी मेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, बोल जवाब तो, डिवाइडेड बाई क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस प्लस एसपी इक्वल टू 2:1 होना चाहिए, आफ्टर बायबैक या बिफोर बायबैक, आफ्टर बायबैक बिफोर बायबैक, आफ्टर बायबैक। तो दैट मीन जितने की मेरी कैपिटल यहां से माइनस होगी, क्या उतने का ही मेरा फ्री रिजर्व सरप्लस भी माइनस होगा? क्या इस बात को एग्री करते हो? हाँ या ना बेटा? अनामिका समझ में आया? सभी को क्लियर है? यहां तक किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछे एक बार, क्या मैं आगे मूव कर सकता हूँ? क्लियर? तो नाउ अगर मैं बोलता हूँ यहां से एक्स रुपए कम होगा, तो क्या यहां से भी एक्स रुपए कम होगा? क्यों बोलता हूँ मैं 2000 रुपए का बायबैक करूं तो यहां से भी 2000 का बायबैक करूंगा, तो 2000 का बायबैक अगर रिजर्व एंड सरप्लस से कर रहा हूं तो 2000 रुपए का क्या मुझे सीआर बनाना पड़ेगा? और सीआर कभी मेरा फ्री रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट नहीं होता है। अरे हाय ना, इसलिए देखो हम जब इक्विटी निकालते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रेशियो एनालिसिस, आप कॉस्टिंग के अंदर जब रेशियो एनालिसिस पढ़ते हो तो वहां पे इक्विटी जब निकालते हो सार सब कुछ लेते हो, सारे रिजर्व एंड सरप्लस लेते हो, बोलो है ना? बट यहां पर नहीं ले। तो जब यहां पे मैं इक्विटी की बात करूंगा, इक्विटी मतलब क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो नाउ अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं अच्छे से बेटा। तो नाउ क्या सभी यहां समझ में आ गया? अरे बोलो, क्लियर? अब मैं और बात करता हूँ इसी के अंदर बेटा। देखो तो बताओ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर मेरे पास सिक्योर लोन भी अनसिक्योर लोन भी है। सिक्योर लोन कितने रुपए का? 40,000 रुपए का। अरे बोलो, प्लस कितने रुपए का बेटा? 22,000 रुपए का। अब मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की बने? 30,000। बोलो बोलो, हाँ है ना? प्लस लॉन्ग टर्म प्रिफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है ही नहीं, बात ही खत्म। उसके बाद क्या किया? रिजर्व सरप्लस कितना की बने? 10,000। बोलो प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम कितना गिवन है? कितना? 3,000। इक्वल टू 2:1। अब मुझे तो ये निकालना है ना, इसमें से बायबैक होगा जितना बायबैक होगा मुझे पता है क्या? वो तो निकालना है। तो जितना बायबैक होगा उतना ऐसे क्या रिजर्व एंड सरप्लस भी कम होगा, क्या इस बात को एग्री करते हो? अरे हाँ या ना? गुड, तो दैट्स इट, क्वेश्चन सोल्व कर दो। तो यहां पर कितना आएगा? 62,000 प्लस क्या बेटा? 30,000 माइनस एक्स प्लस 10,000 माइनस एक्स प्लस 3,000 इज इक्वल टू 2:1। बोलो, तो अगर मैं इसको ऐसा बोल दू 62,000 डिवाइडेड बाई 43,000 माइनस 2x इज इक्वल टू 2:1, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? ये तो आता है, इसका लॉजिक मत पूछना कैसे, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूं बेटा, प्लीज, है ना बेटा? हाँ, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई, मैंने ये सिखा था बचपन में, ये सिखा दिया आपको मैंने बेटा। तो नाउ ये कितना आएगा? 62,000 मल्टीप्लाई पे कितना? 86,000। अच्छा, ये समझ में नहीं आएगा बेटा, मुझे थोड़ा कम आता है बेटा, थोड़ा सा क्लियर? तो यहाँ पे कितना आएगा? 43,000 माइनस क्या होगा? 2x। ये कितना आएगा? 62,000। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा, वो समझ में आया बेटा? क्लियर? ये कितना आएगा? 86,000 माइनस 4x, बोल समझ में आया? अगर आप मुझे बताओ इसको इधर लेके सारे डिजिट एक्सर लेके आ जाएं, तो जब इधर की इधर जाती तो प्लस की क्या होती है? माइनस, माइनस की क्या होती है? प्लस, कैसे होता है? तो नाउ दैट मीन्स ये किधर आएगा बेटा? 62,000 माइनस 86,000 माइनस 4x, तो ये कितना आएगा? माइनस 24,000 इक्वल टू माइनस 4x। तो माइनस से माइनस कैंसल। बोलो, तो मैं बोल सकता हूं अब कितना आ गया? x इज इक्वल टू 24,000 डिवाइड बाई 4, दैट मीन 6,000 रुपीज का मैं बायबैक कर सकता हूं। ये नंबर नहीं है, अब इससे जो आएगा, नहीं नहीं विच इज लोअर मत करना, इतने रुपए का बायपे कर सकते हो, ये सब नंबर्स में चल रहे हैं बेटा, तो आप इसको कैसे कंपेयर कर पाओगे? वो समझ में आया क्या? ध्यान से, अगर आपने क्या क्या यही बह गए,
हस्ती आपको ले जाएगा साथ में, क्योंकि ये नंबर्स में गिवन है रुपीज में, ये नंबर में गिवन रुपीज में। और आप अभी ये लिख दो सर 6000 विच एवर इज लोअर, मतलब आप तो 750 का बायबैक कर लोगो, ये आपका आंसर गलत। अब सबसे पहली बात तो 6000 निकला तो डिवाइड बाई क्या, बायबैक प्राइस कितनी 10, मतलब 600 शेयर, क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो गया। अब ये कितना आएगा 600, तो विच एवर इज लोअर का क्या कर सकते हो बेटा आप, बाय बैक कर सकते हो कितने शेयर का 600। इज इट क्लियर, दिस इज द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन सही गलत, रॉन्ग क्वेश्चन, काट पता है ना गलती, रुको एक मिनट, ये आंसर गलत है। पूरा क्वेश्चन आपने किया आपको 0 मार्क्स मिलेंगे बेटा, ये 600 शेयर्स थोड़ी है, 750 लाख शेयर्स है, ये लिखना बहुत जरूरी। अगर आप ये इतने शेयर आप बोलोगे हम 600 शेयर्स का बायबैक कर सकते हैं, तो वो बोलेगा हम आपको अगला टाइम न्योता दे सकते हैं। तो बेटा आप क्या लिखोगे बेटा 600 लाख शेयर्स का, बड़े गलती बहुत छोटी है, हम तो बोलते आप क्या लिखोगे 600, फिर आप कॉपी मंगवाओगे जोश जोश में, ऐसा कैसे हो सकता है हमें 70 मार्क्स ही है, हमें 30 ही आए, फिर आप कॉपी मंगाओगे देखोगे काट के 0 मार्क्स बनता है। अरे बेटा इतनी बड़ी गलती, 600 लेख को 600 में कन्वर्ट कर दिया, इतना बड़ा घोटाला, हाउ इज इट पॉसिबल यार। और सरकार मोदी जी की छोड़ किसी को रही नहीं है बेटा, वो तो वैसे भी तो ऐसी गलती नहीं बेटा, ये 600 लाख शेयर्स का बायबैक, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैंने कहीं तो आप सीधी सी बात अगर लिखना भूल जाओ तो यहां लिख दो फिगर इन लैक्स, दैट्स इट, बात ही खत्म, कहीं याद करने का ही नहीं। इस क्वेश्चन में बहुत एक गलती थी ये हो सकती है, और दूसरी गलती क्या, यहां तक आते थक जाओगे रिलैक्स हो जाओगे 6000 शेयर्स का बायबैक कर सकते हैं, नहीं भैया 6000 रुपीज वाले शेयर्स का बायबैक कर सकते हो, तो डिवाइडेड बाय कितना करोगे 10, दिस विल बी योर, क्या होगा बेटा आया समझ बेटा, ये बहुत जबरदस्त चीज है। क्वेश्चन टफ था या आसान, इजी था बट थोड़ी सी गलती हो सकती है बेटा, मैं तो चाहता हूं कि एग्जाम पेपर ऐसे भरे हुए हैं 30,000 लाख, और ऐसे पेपर में बच्चा इतना फेल होता है, बहुत फेल होता है, क्योंकि वो गलती करता है किस चीज के लिए, वो लिखता ही नहीं है लैक्स रुपीज, और क्वेश्चन सिंपल आ गया ना बड़े बड़े फिगर्स में कितने बार, अभी क्वेश्चन एग्जाम अगर आ जाए ये मेरी गारंटी है 99% का क्वेश्चन गलत है, कितना परसेंट 99% का गलत, क्योंकि वो लास्ट में लिखे गए नहीं 900 कितना 600 क्रेडिट लिखे गए नहीं, वो लिखे गए नहीं तो क्वेश्चन 0 मार्क्स। So, क्या फर्क पड़ता लाख लिखा नहीं, अरे बेटा 600 ये सिर्फ 600 शेयर्स दिखा रहा है, और 600 लाख कंपनी कितने शेयर्स है, इतने सारे लाखों में शेयर्स है, आप 600 शेयर के बाय पे कर रहे हो, क्या गलत नहीं है क्या, और आप किसी के साथ गलत हो देख सकते हो क्या, नहीं बात ही खत्म बेटा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर, और समझ में आया बेटा शो, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कोई डाउट है लिखना है, हाँ पूछे कुछ डाउट बेटा, कुछ डाउट किसी को, क्या सभी का हो गया, जल्दी करो यार बेटा,
अब तो लिख लिया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू। होमवर्क लिख लिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इज होमवर्क। 6, 7, 8 इज होमवर्क। 3 हो गया, 1 कल ही हो चुका था, 2 और 4 अब डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। 50 कल होमवर्क में था क्या? तो 6, 7, 8 इज होमवर्क है बेटा, चलेगा या और दूं? है ही नहीं, कहां से दूंगा। सुनाओ क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ लाइट कंपनी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2014। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पीएनएल 11% डिबेंचर्स क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स फिक्स असेट्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर्स एंड बैंक बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। द कंपनी बॉट बैक 15,000 शेयर्स एट ₹40 ईच। कंपनी 15,000 शेयर का बायबैक करना चाह रही है ₹40 पे, तो मतलब शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? ₹10। तो ₹30 प्रीमियम है, ₹40 प्रीमियम है, ₹30 क्या बेटा प्रीमियम, बोल समझ में आया बेटा। द ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक वॉज फाइनेंस बाय 2/3 ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ₹5,90,000। जितना मेरे पास इन्वेस्टमेंट था उस इन्वेस्टमेंट का 2/3 इन्वेस्टमेंट क्या होगा बेटा? सेल होगा। कितने में? 5,90,000। शो द इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले 15,000 इक्विटी शेयर का बायबैक किया। अरे बोलो, अकाउंटिंग एंट्री क्या पास? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000। लॉस ऑन बायबैक अकाउंट, लॉस ऑन प्रीमियम एक ही बात है बेटा, तो लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितना? 4,50,000। टू इक्विटी शेयर होल्डर ₹6,00,000। एंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? ₹6,00,000। इज इट क्लियर? कुछ डाउट? नहीं। अब क्वेश्चन ने बोला कि हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया, कितने में? 5,90,000 में। अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, क्या प्रॉफिट हो रहा है? सर कैसे पता लगा सर आपको? 2/3 बस, 4,20,000 तो पूरा 100% के लिए, तो 4,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2/3, दैट मीन्स कितना? 2,80,000। तो 2,80,000 की चीज कितने बेची? 5,90,000। प्रॉफिट कितने का हुआ? 3,10,000। तो अकाउंटिंग एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 5,90,000 टू इन्वेस्टमेंट कितना बेटा? 2,80,000 टू प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,10,000। अब क्वेश्चन ने कहीं बोला है क्या बायबैक करने के लिए फ्रेश इश्यू लेके आओ? नहीं, मतलब हमारे पास क्या सीआर हो गई होगा। सबसे पहली बात क्या? सबसे पहले प्रीमियम ऑन बायबैक था क्या? लॉस ऑन बायबैक था? लॉस ऑन बायबैक, अरे बेटा लॉस एंड बायबैक प्रीमियम बायबैक बोथ आर सेम टर्म ना। कितने रुपए का बेटा? 4,00,000। सबसे पहले उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ किससे करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। क्या इतना सिक्योरिटी प्रीमियम रखा हुआ है? 2,40,000। कितना कम पड़ रहा है? 2,00,000। किससे यूज करेंगे? रिजर्व से यूज कर लो या पीएनएल से यूज कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? लॉस ऑन बायबैक नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,40,000, रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू लॉस ऑन बायबैक या टू प्रीमियम ऑन बायबैक 4,50,000। अब हमने बायबैक करने के लिए कोई फ्रेश इश्यू लेकर तो हम आई नहीं है। जब फ्रेश इश्यू लेकर हम लेकर आई नहीं है, मतलब क्या है बेटा? हमें सीआर बनाना पड़ेगा। तो सीआर कितने बनेगा? जितने की फेस वैल्यू का हमने बायबैक किया, और बायबैक पूरा किससे किया? फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी बेटा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 1,50,000। और सिंपल सा बन गया। हाँ कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है? चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है बेटा। आप चाहो तो रिजर्व पहले यूज कर लो, आप चाहो तो आप पीएनएल यूज कर लो, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। क्या काम बोला है? कहां लिखा है बेटा क्वेश्चन में? बेटा तो इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, थोड़ा प्रॉफिट तो उतना ही हुआ, उसके अलावा और भी प्रॉफिट रखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 3 डन, कम टू क्वेश्चन नंबर 4।
बड़ा क्वेश्चन नंबर 4 एक बार एग्जाम 20 मार्क्स के लिए पूछा गया है इन 2001 में. कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स के लिए. ठीक है, पास हो जाएंगे ऐसे तो सर? हर चैप्टर में ऐसे ही बोलोगे क्या? नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 12% डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, सन्ड्री प्रोविजंस, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक. क्वेश्चन के अंदर गिवन है. द 1 अप्रैल 2014 द कंपनी अनाउंस बायबैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स और ₹15 पर शेयर. मतलब 25% कुल कितने शेयर है बेटा? 2400 लाख. इसका 25% 800. आई एम सॉरी 600. सो 600 लाख रुपीज का हम क्या करें बेटा? बायबैक. कितने रुपए पे? 15 रुपए पे. एंट्री क्या पास होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, प्रीमियम ऑन बायबैक ₹300 टू इक्विटी शेयर होल्डर 900, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 900. बोलो क्या प्रीमियम दिख रहा है? कितने का प्रीमियम दिया? 300 रुपए का. बोलो क्या 300 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम क्या क्वेश्चन दिख रहा है? 350 का. और हमें चाहिए भी कितने? 300. हैंड टू हैंड राइट ऑफ को डालो. क्या लिखोगे बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक रुपीज कितना? 300. बहुत ही इजी क्वेश्चन था. अब हमने क्या किया? अपने इन्वेस्टमेंट को क्या किया? सेल किया. कितने में मिले? 1,50,000. जबकि था कितने का? 1,48 का. तो 2 लाख का प्रॉफिट. अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 150, टू इन्वेस्टमेंट 148, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख. इज इट क्लियर? हम बायपेक करने के लिए 2 लाख 14% प्रिफरेंशियल और ₹100 इज एट पार पे इश्यू किया. तो 2 लाख मल्टीप्लाई पे कितना? 100. मतलब कितना हो गया? 200 लाख. तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रिफरेंशियल 200 लाख. 200 लाख. बोलो जवाब दो. अब एक बताओ, बायपेक कुल कितने रुपए का किया? 600 लाख का. इसमें से 900 का पेमेंट किया. 300 रुपए का राइट ऑफ तो ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रीमियम से कर चुके हैं. अभी भी कितना बचा है? 600 रुपए. 600 में से 200 रुपए तो प्रिफरेंशियल इश्यू किया. अब कितना चाहिए? 400. 400 का क्या बनेगा? CRR. बोल समझ में आया? क्लियर. बट बाद में कुछ समय के बाद बोनस शेयर इश्यू किया, 10 रुपए वाला शेयर फॉर एवरी 4 शेयर. तो 4 के बदले में 1 बोनस शेयर देंगे. तो कितने बोनस शेयर दिए जाएंगे? 4 शेयर के बदले में 1 बोनस शेयर दिया जा रहा है. तो 600 या 450? 450, क्योंकि बायबैक होने के बाद बोनस शेयर इश्यू किया गया है. कुल शेयर कितने रुपए? 600 है. 2400. 2400 में 600 चले गए, बचे कितने? 1800. तो 1800 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा? 450. तो बायबैक करेंगे, बोनस इश्यू करेंगे तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? बोनस इश्यू करने के लिए क्या आपको कितना 450 का इश्यू करना है? तो बेटा क्या आपने CRR बनाया? तो CRR का पहले यूज करोगे पीएनएल का? CRR कितने का बनाया? 400 का. तो CRR अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना होता? 450. अरे हाँ है ना, क्या टफ था? नहीं आया 450? क्या 450 एंड 450 बेटा? बोलो क्लियर. अरे ये समझ में आया है? नहीं आया? नहीं आया बेटा? पूरा समझ में नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया? कौन सा बेटा? बोनस CRR की बेटा. बेटा क्या हमने बोनस से पहले बायबैक किया? तो बायबैक हमने 600 रुपीज कैपिटल का किया. इसमें से 200 रुपए का तो हमने फ्रेश इश्यू लेकर आया. तो 200 रुपए कैसा आया? 200 लाख. ये लिखा है तो सॉरी 2 लाख मल्टीप्लाई भी 100 तो 200 लाख हो गया. तो सारे फिगर्स को हमने लाख में कन्वर्ट कर दिया तो 200 लाख हो गया बेटा. तो 600 लाख में से 200 लाख तो हमने रिडम्पशन बायबैक किससे किया होगा? आउट ऑफ फ्रेश इश्यू. तो 400 लाख अभी भी कम पड़ा हुआ है. तो 400 लाख किससे यूज किया जाए? CRR से. तो इतने का हम क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. तो इतने का हम क्या बनाएंगे? CRR. समझ में आया बेटा? श्योर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे बोलो. अरे मैं क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बस समझ भी नहीं आया. इस क्वेश्चन को बोर्ड पे करवाऊं क्या? क्वेश्चन में कौन सा था ये? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्या बायपेक आसान? रिडम्पशन प्रिफरेंशियल. क्वेश्चन नंबर 5.
The balance sheet of Modern Marble Limited on 31st March 2003 is as follows. Equity share capital, general ledger, security premium, profit and loss account, debentures, term loan, creditors, fixed assets, investment, stock, debtors, cash and bank balance. Question can be given. The shareholders adopted the resolution on the date of above mentioned balance sheet to buy back out 20% of paid up share capital at rupees 15. बोल समझ में आया? मतलब हम 20% का क्या करें बेटा? बायबैक. कुल कितने शेयर है बेटा? 50 लाख. 50 लाख का कितना? 10 लाख. 10 लाख का बायबैक करें 10% के नहीं, 5% नहीं, कितना परसेंट प्रीमियम बेटा? 5 रुपए या 50%? एक ही बात होगी. अगर 10 रुपए के बदले में अगर 15 रुपए दे तो प्रीमियम पे हुआ ना, कितना प्रीमियम? 5%. 5 रुपए प्रीमियम, तो मतलब 50% प्रीमियम हुआ. तो नाउ अकाउंटिंग एंट्री के पास हुई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीज 10 लाख, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू इक्विटी शेयर होल्डर 15 लाख, एंड नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना बेटा? 15 लाख. अरे हाँ है ना. नाउ नेक्स्ट एंट्री जो पास होगी किसके लिए? हमने 5000 डिबेंचर इश्यू किए, तो अकाउंटिंग एंट्री और 5000 डिबेंचर्स को हमने 10% के प्रीमियम पे इश्यू किया, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5,50,000, 5 लाख और 50,000. बोलो हाँ है ना. जनरल रिजर्व को 3 लाख का बैलेंस मेंटेन करना है, और इन्वेस्टमेंट 8 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने कितने में सेल किया? 6,50,000. फायदा है नुकसान कितने का? 1.5 लाख. तो इससे जो बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट दिख रहा है वो भी 1.5 लाख से कम होगा. बोल जवाब दो, क्वेश्चन सोल्व करवाऊ ईमानदारी से? जल्दी से छोड़ सकता हूँ यार, फिर मैं छोड़ूंगा तो नहीं जल्दी. क्वेश्चन नंबर 6 नहीं सोल्व करें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करें बेटा आप लोग. क्वेश्चन नंबर 6 की बैलेंस शीट, क्वेश्चन नंबर 2 की 40,10,000 नहीं आया? आओ, इक्विटी आ गया 40,10,000. 40,10,000 बैलेंस की टोटल आएगी. देखते हैं बेटा अपन लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल सभी का 8,50,000. अरे इक्विटी शेयर कैपिटल सभी की 8,50,000, रिजर्व 6 लाख, रिजर्व 6 लाख, और रिजर्व 6 लाख आया क्या? देखो बेटा आपके पास रिजर्व 7,50 का ऑलरेडी था, सिक्योरिटी प्रीमियम 2,40 का था, सिक्योरिटी प्रीमियम तो पूरा यूज हो गया था, 2,10 कम पड़े थे, किससे यूज किए थे? ये क्वेश्चन शायद ये क्वेश्चन है ना, ये 2,10 नहीं कम पड़े थे, नहीं पड़े थे, पड़े थे क्या? हाँ, तो 2,10 कहां से यूज किया बेटा? पीएनएल से. तो बताओ 7,50 में 2,10 गया, कितना बचा? सॉरी 7,50 में 2,10 कितना बचा? 5,40. ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन ने मुझे बताओ हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया, क्या उससे प्रॉफिट हुआ? कितने का? 3.10. तो 3,10,000 ऐड करो, 3,10,000 ऐड करो. अरे हाँ है ना. और बेटा क्या हमने बायबैक आउट ऑफ किससे किया? फ्री रिजर्व सरप्लस. तो बायबैक के लिए हमने कितना यूज किया था प्रॉफिट? 1.5 लाख. तो 1,50,000, तो इसमें से 1,50 माइनस करो, कितना आ रहा है? 4 लाख. ठीक है, 4,40 आया. अरे बोलो, 4,40 आ रहा है. क्या क्वेश्चन में पीएनएल भी तो है? निकाल के बताऊं क्या? 7,50, 6 लाख सभी का नहीं आया है. चलो इस क्वेश्चन में बना देता हूं पूरा में, बस सही रहेगा. बेटा आप में से किस किस का कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चैप्टर पढ़ा हुआ है? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ा हुआ है? हाँ, अकाउंट्स का ही है बेटा. मेरे को याद है ना बेटा, आपने बोला अभी. नाउ सबसे पहला क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल की मैंने, क्या ये 8,50,000 सभी का समझ में आया? अब क्या क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम था?
समझना, आपके पास बैलेंस में क्या क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम और क्या था, और क्या था, पीएनएल था क्या? बैलेंस बोलो ओपनिंग, इसमें से क्या लेस करो? मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है क्या? क्या प्रीमियम और बायबैक है? 240 यहां से गया, 210 इधर से गया, 5 लॉस ऑन सेल्फ इन्वेस्टमेंट कितने का? कितना हुआ? क्या हम लोग पब्लिक इश्यू लेकर आए क्या इस क्वेश्चन में? कोई पब्लिक इश्यू लेकर आया क्या? ठीक है, तो क्या बायबैक पूरा रिजर्व सरप्लस से किया जा रहा है? बायबैक कितने रुपए का था? बस 1.5 लाख ही, 1.5 लाख यहां से यूज कर लो, कितना बचा? 3 लाख। इतना कैसे आ गया यार? 590 तो 10 लाख 80 हजार आ रहा है, 9 लाख कुछ भी आ रहा है, तो इतना ही आ रहा है क्या? बोलो। और हाँ, क्या इतना आ रहा है प्लस क्या सीआरआर भी बनेगा? कितने रुपए का? 1,50,000 का। कितना आया? 11,30,000। तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस आएगा, अरे काम करो, जब आप यहां लिखोगे ना तो आप चाहो तो रिजर्व एंड सरप्लस लिख दो, या फिर यहां लिख दो बड़ा सीआरआर, जनरल रिजर्व, पीएनएल। सीआरआर कितने रुपए का? 1,50,000। और जनरल रिजर्व कितना? 3,90,000, 5 लाख। बहुत समझ में आया? ऐसा शुक्र, चलो एक अलग शुक्र दो। कुछ डाउट किसी को पूछना तो पूछे एक, आप लोग बड़ा एक बार, कुछ डाउट है? बैंक नहीं, अभी बैंक नहीं बेटा, अभी सिर्फ यहाँ पे बेटा कुछ डाउट है? अगर किसी ने डायरेक्ट भी लिखा है या जिसका जो भी आ रहा है, इस ये मिलाकर कितना? 5,3,8,1,9। अगर किसी का टोटल मिलाकर 11,30,000 भी आ रहा है, कुछ भी फिगर आया चलेगा, क्यों? कुछ लोग ने प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर नहीं कर, यहां कर दिया होगा, या यहां से नहीं तो यहां से क्या था? कुल मिलाकर तीनों का मिलाकर 11,30 बैलेंस आना चाहिए, दैट्स इट। क्या आ रहा है? अरे बोलो, क्वेश्चन चेक कर लो आगे क्या, सोच लुट जाओगे अगर मैं आज आ गया तो। मंजूर है? चेक करो तो बैलेंस शीट।
क्वेश्चन होमवर्क था ये, फिर छोड़ दो बेटा, चलो कोई बात नहीं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? श्योर, रिलैक्स। वाह, मैं आ जाता हूँ बेटा आपके पास। आओ या वाओ? क्या बेटा, वाओ या आओ? क्या आओ? जाओ। वाह, तीसरा बल्दी दे दिया, कितनी खुशी मिलेगी इनको, है ना। नाउ उसके बाद किस किसने नहीं किया था, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो बेटा। बैलेंस शीट यार ट्राई करो बेटा, यार बचपन से यार बैलेंस शीट बनाते आ रहे हो बेटा। 11th बनाई, 12th बनाई, बीकॉम में, मैं सीपीटी नहीं, सीपीटी क्या है, सीएस फाउंडेशन नहीं बोल रहा हूँ बेटा, वहां नहीं बनती बैलेंस शीट, मानता हूँ बेटा। सब ब्रेक लग गया ना सर यार, है? चलो समझो बेटा, नेक्स्ट बैलेंस आएगा। डिबेंचर्स कितने बेटा? 16 लाख बेटा। डिबेंचर्स 16 लाख आए? डिबेंचर्स 16 लाख आए? अरे बोलो। उसके बाद क्रेडिटर्स कितना? 4,30,000। इज इट क्लियर? फिक्स असेट्स कितना है बेटा? 20,40,000। इन्वेस्टमेंट 1,40,000। स्टॉक 5 लाख। डेटर्स 4,30,000। अब आओ बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना था ऑलरेडी? चलिए ये कितना बेटा इसके बाद? 11% डिबेंचर्स कितना बेटा? 6 लाख था। उसके बाद क्या था? क्रेडिटर्स कितना? 4,30,000 बेटा। ना थोड़ा सा जिनको बैलेंस में दिक्कत आई तो सोच लो कि अगला जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो पूरा सी बैलेंस शीट का क्वेश्चन ही है बेटा। अमाल कमीशन उसका मेन फॉर्मेट से बैलेंस शीट पे फोकस करता है, और ये जवाबदारी मेरी बैलेंस शीट टैली करवाने की। बेटा थोड़ा कोशिश करना बेटा यार, बाकी चैप्टर में हेल्प नहीं कर पाऊंगा बेटा, बाकी ये मेरी गारंटी है वो चैप्टर आपको मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा पाएगा बेटा। ऐसा नहीं अपने आप की तारीफ करना नहीं चाह रहा हूँ बेटा, ये 2-3 चैप्टर की मैं बहुत अपने आपको बोलता हूँ मैं, वैसा नहीं। मैं कंसोलिडेशन और अमाल कमीशन बेटा मैं ताकत लगा दूंगा अपनी पूरी बेटा, बट कोशिश आप करना बेटा। बाकी ऐसा हो ही नहीं सकता है कंसोलिडेशन जैसे चैप्टर में, अमाल कमीशन जैसे चैप्टर में आपकी बैलेंस शीट टैली ना हो। आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपका सॉल्यूशन गलत हो सकता है, आपकी बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी जाएगी। ये मेरा दावा है, ये मेरी गारंटी है बेटा। आप मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ बेटा, आप लोगों की मेंटेलिटी इतनी सी है। अब सुनो, अब आपको मैं इतना इस लेवल पर खड़ा कर दूंगा ना, फिर भी बोलोगे सर आप ये बताओ सर हमें कैसे पता लगे क्वेश्चन सही है गलत है? अभी तक आपसे बैलेंस शीट टैली नहीं होती है, बट ये मेरा दावा है कि जब अमाल कमीशन में जब आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको कंसोलिडेशन पढ़ाऊंगा, आपके हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट आपकी टैली होगी, बट थोड़ी सी मेहनत आपकी तरफ से मेरे को लगेगी पहला। फिर आप ये मत बोलो सर बैलेंस शीट टैली तो हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, आपकी बैलेंस शीट टैली भी होगी, फिर भी आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो फिर आप ये मत बोलना सर बैलेंस शीट टैली तो हो रही है, अब सही नहीं हो रहा है, उसका तरीका भी बताऊंगा मैं बेटा। बट थोड़ा सा कोशिश आप लोग करो बेटा, तरीका मैंने बताया आप लोगों को, जो फिगर क्वेश्चन लिखा एक बार एडिट कॉपी कर दो, जहां चेंजेस है वहां पे चेंज करो, दैट्स इट। एनीवे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? फिक्स असेट्स कितना है? कितना नेक्स्ट? 1,40,000। नेक्स्ट? हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट हाँ बेटा, बैंक का ऑलरेडी बैलेंस कितना था? 9 लाख। ठीक है बेटा, क्या इतना बैलेंस आपके पास था? आपने इन्वेस्टमेंट को सेल किया, उससे पैसा आया या गया? कितना इन्वेस्टमेंट कितने में सेल किया? अरे इन्वेस्टमेंट को सेल किया, पैसा कितना आया? बात खत्म ना, प्रॉफिट से क्या लेना देना, पैसा तो उतने से बढ़ेगा ना यार बेटा। क्या प्रॉफिट से बैंक बैलेंस बढ़ता है या जितना पैसा मिलता है उससे प्रॉफिट बढ़ता है? जितने में हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया उतने से पैसा आया ना। क्या हमने बायबैक का पैसा पे किया? कितना? 4,50,000। और कुछ पेमेंट किया है इस पूरे क्वेश्चन के? और पेमेंट किया है क्या? देखो बेटा मैंने, हाँ तो ऐसा बोलो ना, तो मैंने उसके लिए मना कहाँ किया? अरे बेटा शेयर होल्डर को हमने टोटल कितना पेमेंट किया? 6 लाख किया है, 4,50,000। इसके अलावा किसी और पैसा आया गया है? नहीं। दैट मीन्स कितना नेक्स्ट? एग्जैक्ट ये लो। और मजा आला कि बैलेंस शीट टैली ना हो, कितनी आई करो टैली होगी बेटा, हो ही नहीं सकता टैली ना हो। 41,10,000 वही कैसे बेटा?
41,10,000 तो 40,10,000 वो समझ में आया बेटा? श्योर? क्वेश्चन होमवर्क में क्या है बेटा? 6, 7 थैंक यू, हैव अ गुड डे.